कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या कहना चाहूँगा, फील अ लिटिल सैड, डेफिनेटली फील सैड दैट लास्ट दिन है, शो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इतने सारे जो दोस्त यार बने पता नहीं कब मिलेंगे, बट इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया। आई थिंक करीबन 7-8 महीने हम लोग ने शूट किया, सो इट वॉज़ ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड फन, नए दोस्त बनाए एंड नए फैंस बनाए, सो वेरी हैप्पी, यू नो पीपल अप्रिशिएट माई दिस कैरेक्टर एज वेल, कबीर, सो क्वाइट हैप्पी। तो हर सीरियल की तरह क्या इसकी एंडिंग कैसे देखने वाले हैं, हमें हैप्पी एंडिंग? वो तो आपको नहीं, एंडिंग तो हैप्पी रहेगी, बट बिकॉज ये थ्रिलर था तो एंड में भी एक ट्विस्ट रहेगा, सो देयर इज गोना बी अ ह्यूज ट्विस्ट इन द एंड। ओके, तो क्या ये ऑडियंस को एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ के जाने वाला है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आई मीन स्पेशली द लास्ट फिनाले एपिसोड इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत करके और बहुत सोच के लास्ट एपिसोड लिखा है और हमें बड़ा मज़ा आया करने में, सो यस इज गोना बी अ ग्रेट, आई मीन ग्रेट लास्ट एपिसोड। कितना मिस करने वाले हैं आप? बहुत मिस करने वाला हूँ, इनफैक्ट मिस अभी नहीं पता चलता है, जब एक बार ख़त्म हो जाएगा और जब दूसरे दिन से हम नहीं आएंगे तब जाके मिस करेंगे, तो अभी तो यू नो वी ऑल आर हियर, बट आई एम श्योर आई एम गोना मिस देम। इसके आगे की क्या प्लान है? अभी तो फिलहाल कोई प्लान नहीं, अभी मैं आई थिंक हॉलीडे पे जाऊँगा, छुट्टी लूँगा, मेरी बीबी भी मेरे पीछे पड़ी है कि कब छुट्टी मिलेगी, कब हॉलीडे पे जाएंगे, तो आई डोंट नो, आई डोंट एक्चुअली प्ले होली, सो मैं होली खेलता नहीं हूँ, बहुत सालों से मैंने बंद कर दिया है, बट जो भी होली खेलते हैं मेक श्योर यू हैव अ सेफ होली, और किसी जो जिससे पसंद नहीं है होली खेलना उस पर आप फोर्स मत कीजिए, डोंट